हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग सेम कुमार में। तो दोस्तों, थंबनेल से समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं आपको आज कराने वाला हूँ हल्दीबारी रेलवे स्टेशन का छोटा सा टूर। तो मैं फिलहाल हल्दीबारी रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए, आप वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हल्दीबारी रेलवे स्टेशन पे, जो कि दोस्तों भारत और बांग्लादेश के सीमा पे दोस्तों मेन बिंदु पे है ये हल्दीबारी रेलवे स्टेशन। बगल में ही यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर भी है। ये हल्दीबारी इंडिया की अंतिम रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको आज हल्दीबारी रेलवे स्टेशन का छोटा सा टूर कराने वाला हूँ। दिखाते हैं हल्दीबारी रेलवे स्टेशन पर क्या क्या तमाम सुविधाएं हैं, क्या कुछ है क्या नहीं। फिलहाल अभी काम चल रहा है दोस्तों, हल्दीबारी रेलवे स्टेशन को फिर से बनाया जा रहा है। ये इस तरह से पार्किंग वगैरह आगे किया गया है। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के भीतर, बारी बारी से आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि हल्दीबारी रेलवे स्टेशन पर अगर आप आते हैं तो दोस्तों हल्दीबारी रेलवे स्टेशन में क्या क्या तमाम सुविधाएँ उपलब्ध है। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हल्दीबारी रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा। फिलहाल काम चल रहा है स्टेशन पे, देख सकते हैं गार्डन जैसा कुछ यहाँ बना हुआ है। ये इस तरह से देख सकते हैं, ये सामने ऑटो वगैरह मिलती है, देख सकते हैं ये सामने। ये पार्किंग ग्राउंड है इधर, ये सामने देख सकते हैं। बाकी इधर ये हल्दीबारी रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब भीतर, वहाँ एंट्री गेट है, उधर भी है और एक उधर भी है, एक सामने उधर भी एंट्री गेट है। चलिए अब मैं भीतर चलता हूँ और आपको भीतर से भी दिखाते हैं आपको। ये इधर टिकट काउंटर है, यहाँ देख सकते हैं। ये बाहर से एंट्री का रास्ता है, इधर से हम अंदर आते हैं और ये सामने आपको टिकट काउंटर वगैरह मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं स्टेशन के भीतर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हल्दीबारी रेलवे स्टेशन। आपको स्टेशन पे दुकान वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी, फिलहाल काम चल रहा है। सामने ओवर ब्रिज एक बन रही है, उधर अभी काम चल ही रहा है स्टेशन पे। तो इस तरह से ये रेलवे स्टेशन है और एक छोटा सा दुकान आप ये सामने देख सकते हैं, दिख रहा है सिर्फ एक ही दुकान, ये छोटा सा है हल्दीबारी स्टेशन पे। बाकी बैठने के लिए इधर थोड़ी बहुत जगह बनाई गई, सीट वगैरह। प्लेटफॉर्म नंबर ये 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ बैठने की सीट वगैरह बनाई गई है। तो इस तरह से हल्दीबारी रेलवे स्टेशन है, दुकान वगैरह नहीं है उतनी, बस एक छोटा सा दुकान है। पहले तो शायद ये भी नहीं थी, हाल ही फिलहाल में ये छोटी सी दुकान ओपन हुई है। तो इस तरह से ये हल्दीबारी रेलवे स्टेशन, और ये इधर सामने लगी हुई है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर हल्दीबारी न्यू जलपाईगुड़ी पैसेंजर। तो इस तरह से दोस्तों हल्दीबारी स्टेशन अभी बनी रही है, ठीक से फिर से बनाया जा रहा है। तो अभी उतनी तमाम सुविधाएं आपको स्टेशन पे नहीं मिलेगी, देख सकते हैं काम वगैरह अभी स्टेशन का चल ही रहा है, देख सकते हैं। तो अभी आपको तमाम सुविधाएं स्टेशन पे नहीं है, बाकी 2 और 3 प्लेटफॉर्म उस तरफ है, आपको उधर भी दिखाएंगे, उधर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हल्दीबारी रेलवे स्टेशन पर फिलहाल अभी उतनी तमाम सुविधाएँ नहीं मिलेगी जितनी होनी चाहिए। फिलहाल काम चल रहा है, शायद आगे मिले। प्लेटफॉर्म है, बाकी आपको पानी की देख सकते हैं नल वगैरह लगी है, पर पानी वगैरह नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अभी काम चल रहा है। बाकी ये इस तरह देख सकते हैं अभी काम चल ही रहा है दोस्तों। बाकी इस तरफ लगी हुई है दार्जिलिंग मेल, जो कि हल्दीबाड़ी से सियालदह जाती है, और ये लगी हुई है हल्दीबाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी पैसेंजर, एक नंबर पर लगी हुई है। यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, ये 1, 2 और 1 उस तरफ है। तो इस तरह से बाकी ये सीढ़ी वगैरह, एक सीढ़ी उधर बन रही है, एक सीढ़ी यहाँ है ऊपर से जाने के लिए। तो ये इस तरह से है। चलिए अब मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, यहाँ आपको उधर सामने सीधा आपको उधर बगल में ही आपको मिलेगी, अगर सीधा इस ट्रैक को पकड़ के जाते हैं तो बांग्लादेश बॉर्डर आपको मिलेगी। चलिए अब उस पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको उधर से। तो मैं अब आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पे, और ये सामने जैसा मैंने बताया दार्जिलिंग में लगी हुई है। और बाकी आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पर दोस्तों वो सिर्फ एक स्टॉल मुझे दिखाई दी, बाकी पानी वगैरह तो मुझे दिखाई नहीं दी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। दिए इस तरह से, और ये सामने ट्रैक ये सीधा वो आगे आप कुछ दूरी पे आपको बांग्लादेश बॉर्डर भी मिलेगी। तो ये इस तरह से हल्दीबारी रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए अब मैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म और 3 नंबर भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। अब मैं आ चुका हूँ 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, देख सकते इधर ये 2 नंबर है और इस साइड ये 3 नंबर इधर प्लेटफॉर्म है। तो ये इस तरह से 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, और 3 नंबर पर तो कुछ भी किसी प्रकार की कोई दुकान वगैरह इसमें नहीं है। जो कुछ भी एक दुकान मैंने आपको दिखाया वो 3 नंबर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही थी, ये इधर 2 नंबर इधर 3 नंबर, तो 3 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ हल्दीबाड़ी में। तो मैंने आपको ये छोटा सा टूर दिखाया हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन का, कुछ तमाम सुविधाएं थी नहीं, बाकी अभी स्टेशन का काम चल रहा है। बाकी बात करें हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया था 1878 में, और दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न के अंदर आती है ये, बाकी कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, पश्चिम बंगाल के कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों ये था छोटा सा रेलवे स्टेशन टूर हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन का। बाकी चलिए दोस्तों, बाकी हल्दीबारी से मेरी कौन सी ट्रेन की जर्नी होने वाली है, ये दार्जिलिंग मेल की जर्नी होने वाली है, तो जर्नी वाली ब्लॉग आपको मिलेगी इंडियन ब्लॉगर एम कुमार पे, तो जाके आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, ये था छोटा सा टूर हल्दीबारी रेलवे स्टेशन का। बाकी चलिए, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सर को मैं जरूर करिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।